मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के धरना देने पर मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा, शिवराज सिंह के 15 साल में जो कार्यकाल रहा, पहले उसका चेहरा देखें। साथ ही उन्होंने हैदराबाद रेप कांड के आरोपियों के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसकी जांच की मांग की। तो वहीं भोपाल में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा कमला नगर थाने में धरना देने के मामले में उन्होंने जांच करने की बात कही। बाद में जहाँ तक अपराधियों पर कसावट कसने का है, उसके लिए हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं। दोनों ने सही अपराधी जल्दी पकड़े लिए, लेकिन पकड़ के उनकी हत्या करना ही उचित नहीं मानता। अगर पुलिस ही न्यायालय बन के कानून सजा देने लगेगी तो इस देश में न तो प्रजातंत्र बचेगा और न ही ये शासन तंत्र चल पाएगा। अराजकता फैलेगी। पुलिस को इतना निरंकुशता का अधिकार प्रजातंत्र में नहीं दिया सकता। और ये पूरी तरह से मुठभेड़ नहीं है, ये वहाँ से जेल से निकाल कर उनकी हत्या है। मैं तो चाहूँगा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की है, इस पर एक उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। उन 15 साल में जो उनका कार्यकाल रहा है, पहले अपना चेहरा देखें। उनके समय में कितनी घटनाएं, आज भोपाल की में स्थिति है, जितने भी घटनाएं घट रही हैं उनमें सब में अपराधी तत्काल पकड़े गए हैं। किसी किसी में तत्काल सजा भी दिलाई गई है। और जो आज की घटना है उसमें भी पूरी तरह से सरकार मुस्तैद है, अपराधी पकड़ा जा चुका है। अब सवाल इस बात का है कि जो कार्रवाई है न्यायालय की, उसमें समय लगता है। ये सरकार, जहाँ तक सरकार का दायित्व ड्यूटी है पुलिस की है, वो पूरी कर रही है, पूरी मुस्तैदी से कर रही है। शिवराज सिंह के पास तो कोई काम बचा नहीं है, तो अब धरना प्रदर्शन के अलावा करें कैसे, क्या करें वो? इसलिए रोजाना अपनी ख्याति करने के लिए कि हमारा नाम टीवी में मीडिया में चलता रहे और हम अपना आगे भविष्य में बदलाव कभी आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी में उनको महत्व मिले। केवल इसलिए मैं अपनी सक्रियता जाहिर करके हाईकमांड को अपना प्रदर्शन बता दें। सारे अगर साध्वी ने अभद्रता की है और साध्वी ने अगर उनके फुटेज हैं मीडिया में द्वारा और वहाँ CCTV कैमरे में, अगर उन्हें अभद्रता की कोई बात कही होगी तो केस अभी जरूरी नहीं करना लगेगा, जांच में इन्वेस्टिगेशन आएगा तो उनको भी देख लगेगा।